पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर नवाब की 95,10,000 की संपत्ति कुर्क की है। कोतवाली में कटघर के गुलाबबाड़ी चूड़ी वाली गली निवासी नवाब के खिलाफ गैंगस्टर में केस दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में अलग अलग थानों में 22 केस दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस ने आरोपी की संपत्ति का ब्यौरा बनाकर रिपोर्ट DM को भेजी थी। DM की अनुमति मिलने के बाद संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गयी। कोतवाली CO अपेक्षा निम्बाडिया, ACM प्रीति सिंह और कोतवाली प्रभारी उषा मलिक पुलिस टीम लेकर गुलाबबाड़ी चूड़ी वाली गली पहुंची और आरोपी की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई। आरोपी ने एक प्लॉट अपने और अपनी पत्नी नरगिस गुड़िया द्वारा खरीदा था, जिस पर भवन का निर्माण कराया था। करीब 95,10,000 की कीमत की संपत्ति कुर्क की गई है। देखिए, थाना कोतवाली के अंतर्गत नवाब पुत्र लाइक ये चूड़ी वाली गली गुलाबबाड़ी कटवर के कटघर थाना के रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके साथ में 5 अन्य साथी हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 95,10,000 रुपए की जो कार्रवाई है इनके विरुद्ध, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है, जिसमें एक प्लॉट है करीब 119 वर्ग मीटर का और एक प्लॉट है करीब 212 वर्ग मीटर का और एक इनके पास में एक गाड़ी है। उसको कुल मिलाकर टोटल 95,10,000 और 260 रुपये की जो प्रॉपर्टी है, इसके जब्तीकरण की कार्रवाई है वो कल की गई है। और जो ये मुख्य अभियुक्त है, इनके विरुद्ध करीब 22 मुकदमे हैं, जिसमें NDPS 307 और आर्म्स एक्ट के कई इनके ऊपर मुकदमे हैं और एक काफ़ी सातिर अपराधी है। तो ऐसे जो गंभीर जो अपराधों में संलिप्त जो अपराधी है उनके खिलाफ में शासन और DGP मुख्यालय के निर्देश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट में 14(1) की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति को जब्त करने का काम शुरू किया है। सर, क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी इसी तरह से? बिल्कुल, पिछले साल भी हम लोगों ने जो भी इस तरह के जो बड़े गंभीर अपराधों में जो लोग संलिप्त थे उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 14 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने का काम किया था। और अभी ये जो कार्रवाई है लगातार चल रही है और ऐसे जो लोग हैं जो लगातार इलीगल जो कामों में लगातार लगे हुए हैं, जैसे गोकसी और तमाम अन्य जो काम हैं, उन सभी के विरुद्ध भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। पब्लिक TV आपकी आवाज़।